जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश पत्र को लेकर के बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है, यानी बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र हैं वो 31 जनवरी तक मिल जाएंगे। तो देखिए आगे न्यूज़ में क्या आया हुआ है, यहाँ पर हिंदुस्तान न्यूज़ की ये कटिंग है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षा है वो 18 फरवरी से शुरू होने जा रही है। प्रवेश पत्र शासन के स्तर से जनवरी माह के आखिर में आने की संभावना है, यानी जो यूपी बोर्ड है वो जनवरी के आखिरी तारीख में यानी 31 जनवरी तक आपके जो प्रवेश पत्र होते हैं जिनके द्वारा आप परीक्षा देने जा सकते हो वो आपको दे देगा। यानी DIOS कार्यालय से प्रवेश पत्र का वितरण विद्यालयों को 31 जनवरी से किया जा सकता है। तो जो यूपी बोर्ड का जो ऑफिस है वहाँ से 31 जनवरी को प्रवेश पत्र हैं वो स्कूलों को दे दिए जाएंगे और प्रवेश पत्रों के साथ अन्य रिकॉर्ड भी आएंगे। उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो फ्रेंड, जो स्कूल होते हैं उसकी एक आईडी भी होती है, उसमें एक आईडी पासवर्ड होता है, तो वो अपनी आईडी पासवर्ड से ऑनलाइन लॉगिन करके वहाँ से भी अपने स्कूल के छात्रों के वो प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी सुविधा भी यूपी बोर्ड दे रहा है, लेकिन हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों तरीके से आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा, लेकिन उस स्कूल की आईडी का पासवर्ड छात्रों को नहीं पता होगा तो छात्र ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। वो प्रवेश पत्र अपने स्कूल में जाकर के फरवरी के महीने में किसी भी तारीख से ले सकते हैं, क्योंकि परीक्षाएं वो 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाली हैं। यानी परीक्षा से 15 दिन पहले परीक्षार्थियों के हाथ प्रवेश पत्र पहुंच सकेंगे। विभाग के अनुसार 25 जनवरी तक DIOS कार्यालय के पास प्रवेश पत्र आ सकते हैं। प्रवेश पत्र ऑनलाइन भी होंगे, इसके बाद भी विद्यालय प्रबंधकों को पहले कार्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त करने होंगे, उसके बाद परीक्षार्थियों को वितरित किए जाएंगे। इस स्थिति में प्रवेश पत्र वितरण का कार्य 31 जनवरी के बाद ही शुरू हो सकेगा। विद्यालयों को अपनी आईडी पर प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। तो जो उत्तर पुस्तिकाएं आंसर कॉपी है वो भी विद्यालयों में भेजना अभी से स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड, ये है लेटेस्ट न्यूज़। धन्यवाद।